टेक्स्ट एडिटिंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओरिजिनल रूप से संचार को ग्रो करता है, गलत इंफॉर्मेशन के भ्रम के आसार को कम करता है। टेक्स्ट एडिटिंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इफेक्ट दर्पण होते हैं जिसमें ऑडियंस को समझ आता है कि इस कंटेंट की डीप में जाना है या नहीं। टेक्स्ट एडिटिंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसईओ और ऑनलाइन में अधिक सर्च करने के लिए कंटेंट सामग्री को अनुकूलित करने की भूमिका निभाता है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेक्स्ट के बारे में। इमेज क्रिएट करके उसे अट्रैक्टिव टेक्स्ट की एडिटिंग करके कैसे बना सकते हैं, उसे कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, इस बात पर बात करते हैं कि किसी भी इमेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कलर के साथ साथ टेक्स्ट एडिटिंग भी एक बहुत बड़ा ज्यादा कारगर फैक्टर होता है किसी इमेज को इम्प्रेसिव बनाने के लिए। आपको अपनी इमेज डिजाइन को अगर प्रोफेशन बनाना है, उसको इम्प्रूव करना है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो में टेक्स्ट के अलग अलग वेरिएशन और टेक्स्ट के अलग अलग यूज को अच्छी तरह से समझें और यूज करें, अधिक से अधिक इनकी प्रैक्टिस करें। मैं हूं राकेश कुमार गौर। शुरू करते हैं डिजिटल सिटीजन नेशन के सेशन में लेटेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ कैनवा पर टेक्स्ट एडिटिंग। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए एक कैनवा अकाउंट, जो मैंने पिछली बार आपको सिखाया था कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैनवा का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, यहां पर हम चलते हैं। सबसे पहले ये क्रिएट डिजाइन, और हम कोई भी इमेज में टेक्स्ट करने के लिए सोशल मीडिया टाइप करते हैं। सोशल मीडिया, तो ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के लिए सबसे अच्छा साइज होता है 1080x1080 पिक्सल। तो यहां पर हमने ये साइज ले लिया, ये एक ब्लैंक साइज ले लिया हमने। इसमें आपको यहां पर ये इसके अकाउंट में देखिए नेविगेशन बार है, जिसमें हम चलते हैं टेक्स्ट पर। ये टेक्स्ट पर गए और ये हमारा यहाँ पर ये देखिए ये खाली पेज है, तो यहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं लिखना है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर ये एड ए हेडिंग लेते हैं, मान लीजिए ये एड ए हेडिंग, तो ये देखिए टेक्स्ट के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आ गए। तो ये टेक्स्ट हेडिंग है, यहाँ पर हम एक टेक्स्ट ले लिया आपने मान लीजिए कि ये, और दूसरा टेक्स्ट भी हम इसको ले सकते हैं। इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये ऊपर कर दिया। दूसरा टेक्स्ट एड है सब हेडिंग, ये एड है सब हेडिंग ले लिया। तीसरा टेक्स्ट ले लिया हमने एड ए लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, ये भी हमने ले लिया। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो ये अलग अलग साइज में टेक्स्ट के एडिटिंग आ चुकी है। अब हम जो भी यहां पर टाइप करेंगे वो अलग अलग साइज में टाइप हो जाएगा। मान लीजिए कि अब हम सबसे पहले इनको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम एक हेडिंग वाली भी टॉप पे काम करेंगे। मान लीजिए इसको हमने टाइप कर दिया डी जी, इसको हम कैपिटल में टाइप कर लिया डी आई जी आई टी ए एल स्पेस सिटीजन सी आई टी आई जेड ई एन एंड नेशन एन ए टी आई ओ एन। मान लीजिए ये हमारा टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट को ये देखिए बड़े होने की वजह से नीचे ऊपर आ चुका है। तो अभी हम इस पर टेक्स्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं टेक्स्ट के फॉन्ट की। तो इसमें कई प्रकार के टेक्स्ट हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट अभी कैनवा सेंस टेक्स्ट आ रहा है। अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसमें बहुत सारे टेक्स्ट आ जाते हैं। ये देखिए अलग अलग टाइप के टेक्स्ट आ जाते हैं। जिस भी टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे उस टेक्स्ट में ये कन्वर्ट होगा। ये इस टाइप से ये बहुत से टेक्स्ट होंगे। इनको हम कुछ टेक्स्ट इसमें प्रो होते हैं जिनके ऊपर क्राउन बना होता है, जैसे कि ये क्राउन वाले टेक्स्ट हैं जैसे कि ये है, तो इनके लिए हमें पेमेंट देना पड़ता है तब हम इनको यूज कर सकते। तो हम अभी यूज करेंगे
फ्री वाले यूज। सबसे पहले हम फ्री वाले बहुत यूज है, मैं आपको टेक्स्ट बताता हूँ। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो दो चार टेक्स्ट के फॉन्ट बताता हूँ, जिसमें है एक मोंट, तो मोंट सिरर, एस डबल ई आर ई, मोंटसेरेट, ये देखिए मोंटसेरेट एक है, मोंटसेरेट क्लासिक है, ये देखिए क्लासिक स्टाइप्स है, मोंटसेरेट स्टाइप, तो ये इनकी मोंटसेरेट की फैमिली होती है। जब भी हम कोई इमेज बनाए तो अगर छोटे बड़े टेक्स्ट फॉन्ट को हम यूज कर रहे हैं तो उसकी फैमिली यूज करें। देखिए ये सेमी बोल्ड हो जाएगा, ये बोल्ड हो गया, यहाँ पर एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया, ये ब्लैक हो गया, इस टाइप से इसकी फैमिली है। दूसरे टेक्स्ट हम इसी प्रकार के जो बहुत इंपॉर्टेंट जो यूज होते हैं अधिकतर, वो ले लीजिए, मान लीजिए पॉपिंस, पी ओ डबल पी आई एन एस, पॉपिंस, ये पॉपिंस है, पॉपिंस के ये टेक्स्ट है। अब पॉपिंस की भी इतनी फैमिली है, इस फैमिली को अगर हम यूज करना चाहें तो यहां से वही एक्स्ट्रा, ब्लैक, सेमी बोल्ड, रेगुलर, लाइट, जो भी आपको आवश्यकता के अनुसार यूज कर सकते हैं। एंड एक और टेक्स्ट बताता हूं मैं आपको, रोबोटो, आर ओ बी ओ टी ओ, रोबोटो, यहां पर बी डबल आ गया, इसको सिंगल कर दी, ये रोबोटो आ गया। तो ये रोबोटो में इतने टाइप के, रोबोटो मोनो, रोबोटो स्लेव, रोबोटो कंसीडर्ड, ये इन रोबोटो की अलग अलग फैमिली है। ये देखिए इसकी रेगुलर बोल्ड इसकी फैमिली है ना, दूसरा रोबोटो कंसीडर इसकी भी अपनी फैमिली है। तो आप कोई भी इसके फैमिली यूज कर सकते हैं, ये बोल्ड हो गया, दूसरा ये आपके, इस टाइप से बहुत सारे यहाँ पर टेक्स्ट है, आप किसी भी टेक्स्ट को यूज करें। तो हम सबसे पहले रोबोटो इसमें चलते हैं, रोबोटो कंडीशन में। अब यहाँ पर ये जो टेक्स्ट दिया है हमारा बहुत बड़ा टेक्स्ट है, अगर हम इसको चाहें तो एक लाइन में ला सकते हैं। एक लाइन में लाने के लिए आपको यहाँ पर जो फॉन्ट के साइज दिए हैं, यहाँ पर ये अलग अलग साइज है, अभी ये साइज बड़ा हुआ है, अगर हम इसको और बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से ये तीनों अलग अलग साइज है, इस टाइप से आप इसके साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हमें एक लाइन में लाना है तो इसको हम छोटा साइज कर लेते हैं, मान लीजिए 64, ये देखिए यहाँ पर तीनों एक लाइन में, ये टेक्स्ट के साइज को हम कन्वर्ट यहाँ से माइनस प्लस के भी कर सकते हैं, अगर फाइन ट्यूनिंग करना है तो यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, अब आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करके ये कर सकते हैं, या पर यहाँ पर टाइप करके भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 200 लगभग कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ा साइज हो जाता है, ये बहुत बड़ा साइज हो गया जो बाहर हो गया, इसलिए हमें इतना बड़ा साइज नहीं रखना है, हमें अंदर रहे, उसके लिए हमने मान लीजिए 64 साइज कर दिया यहाँ पर, तो ये अंदर हो जाएगा, ये साइज हो गया। अब जब हम सेलेक्ट करते हैं तभी यहाँ पर कुछ आता है, तो देखिए दूसरा इसका टेक्स्ट कलर का ऑप्शन आ गया, यहाँ से हम इस टेक्स्ट के कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इतने सारे कलर बाय डिफॉल्ट कलर होते हैं, मान लीजिए कि हम पिंक पर सेलेक्ट करते हैं तो ये पिंक करेंगे अपन इसको, तो ये यहाँ पर कलर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर पिंक कर दीजिए, ये पिंक हो गया, ब्लू कर दीजिए, ये ब्लू हो गया, जो सा कलर चाहिए आपको वो यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप कोई मल्टी कलर में चाहते हैं, इस टाइप से बहुत से कलर यहाँ पर दिए हैं, अलग कोई स्पेसिफिक कलर है तो यहाँ से हम सेलेक्ट करके कोई सा भी कलर कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी कलर चाहिए यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं ये कलर। दूसरा, आपके पास कोई स्पेसिफिक कलर है जिसका कोड आपने कहीं से पिक कर किया है, ये देखिए यहाँ से पिक एक कलर फ्रॉम, तो उस कलर को आप वहां से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके उस कलर को भी ले सकते हैं। कलर पिकर क्या होता है, कैसे यूज होता है, इसको मैं कभी अपने इसी टाइप के वीडियो में आपको बताऊंगा, ये देखिए जिसमें कलर पिकर का यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये F9, ये एक मेरा कलर है, कोड है, यहाँ पर 1212F9, ये एक कलर, ये इस टाइप से कलर टाइप करके भी यहाँ पर कोड मिलता है, ये आपका एक कलर है।
दूसरा, अब आपके कलर को तो चेंज करना आप सीख ही गए हैं, इसमें इसको साइज को यहां से बोल्ड और थिक भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर ये सिलेक्ट किया, ये पतला हो गया, मोटा करना है तो इसको बोल्ड कर दीजिए, ये बोल्ड। दूसरा इसको इटालिक भी कर सकते हैं, ये इटालिक यहां से लेटर। तीसरा है आपका अलाइनमेंट, टेक्स्ट का अलाइनमेंट, फॉन्ट का अलाइनमेंट। तो देखिए ये अभी सेंटर में है, इस टेक्स्ट को हम राइट एंड लेफ्ट भी कर सकते हैं, तो ये अभी लेफ्ट हो चुका है, सेंटर हो गया है और ये राइट हो गया, इस प्रकार से ये कर सकते हैं। अब यहां पर हम अगर कोई पॉइंट में लिस्ट बनाना चाहते हैं तो यहां से लिस्ट का भी ऑप्शन आता है। देखिए ये एक ही लाइन में था इसलिए यहां पर आ गया। अब हम इसको अगर इंटर मार देंगे तो ये दूसरा पॉइंट होगा, यहां पर इंटर मारेंगे तीसरा पॉइंट होगा। इनकी नंबरिंग भी कर सकते हैं यहां से, ये देखिए नंबरिंग भी कर सकते हैं यहां से, तो नंबरिंग के लिए ये यहां से देखिए नंबरिंग भी कर सकते हैं, ये नंबर यहीं पर डालकर आप कंप्लीट कर सकते हैं, एक दो तीन अगर किसी को टाइटल में नंबर डालना है। स्पेसिंग, यहाँ की लेटर दो लेटर के बीच की स्पेसिंग को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ये यहां पर मान लीजिए जीरो है, ये देखिए दो लेटर के बीच की स्पेसिंग कम ज्यादा है, इसको कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट जीरो है, जीरो ही अच्छा रहता है देखने में, तो करते हैं। अब लाइन स्पेसिंग, मतलब लाइन स्पेसिंग मतलब दो वर्डों के बीच के ऊपर नीचे का डिफरेंस को हम कम ज्यादा कर, ये देखिए यहां से कम जाने आप कर सकते हैं। तो इसमें 1.4 अच्छा माना जाता है, 1.14, तो वो ही मैंने रख दिया है। तीसरा, अब इसमें इफेक्ट, इफेक्ट हम डाल सकते हैं, नंबरिंग लिस्ट को हम अंडू कर लेते हैं। अंडू करना भी इसमें, अगर हम कोई चीज आगे चले गए हैं, गलत हो गई है, या उसको हम वापस स्थिति में लाना है, उसको हम यहाँ पर ये देखिए ये अंडू का निशान है, यहाँ से अंडू करके वापस ला सकते हैं। अब इफेक्ट जो है, इस पे हम इफेक्ट देख सकते हैं, ये इफेक्ट का इसमें इस टाइप से इफेक्ट चेंज होता है, ये इफेक्ट चेंज होता है, ये डबल से है, ये डबल से है, ठीक है। मान लीजिए हमने ये शेडो टाइप का कुछ लिया हमने, मान लीजिए आपने ये इस टाइप से लिया, गिफ्ट लिया, ये लिया, ये स्टैच। अब इसकी थिकनेस को हम कम जा लेते हैं, ये यहाँ से कम जाए, ये थिकनेस कम जाए, ऑफसेट को भी यहाँ से कम जाए कर, डार्कनेस कम जाए हो रही है, ऑफसेट ऊपर नीचे हो रही। कलर, यहाँ पे हम कलर भी कर सकते हैं चेंज, मान लीजिए कोई सा ये कलर ले रहा है तो ये कलर कम जाए, ठीक है। शेडो, यहाँ से शेडो कलर ये हो गया। अब आपको मान लीजिए कि यहाँ पर शेप चेंज करना है तो शेप भी चेंज, इस टाइप से ये शेप चेंज, राउंड शेप में हो गया, नन शेप कोई शेप, इसको राउंड में भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, इस टाइप से कर सकते हैं। कितनी कर्व रखना है ये आपको दिख जाएगा, यहाँ से कर्व कर कम ज्यादा करके इसको आप डायमेंशन इसका सेट कर सकते हो कितनी कम रखना है। तो अब इसको नन पे चलते हैं, और ये नियोन है इस टाइप से, इसका आपको ये दिखेगा, ठीक है। गिफ्ट है, ये डायरेक्शन तो आपको देख लिया आपने, फिर तो मैंने दिखा दिया, इस टाइप से ये चेंज होता है, कलर इसमें दिए हुए हैं, ये आपकी इफेक्ट चेंज करने का। इसी में आप हम इसको एनिमेशन भी इसका चेंज कर सकते हैं, वापस चलिए अंडू पे आ जाइए, आपको ये अंडू में आ गए हैं। अब एनिमेशन, और मैं इसमें बता देता हूँ, ये जो लेटर है आपको ये एनिमेट होते हुए दिखेंगे, ऊपर से नीचे ले जाना है, साइड से ले जाना है, ऊपर से ले जाना है, इस टाइप से बोथ करना है, ऑन एंटर करना है, ऑन एग्जिट, इस टाइप से। यहाँ पर कुछ जो दिए हुए हैं वो पैड है, राइटिंग स्टाइल वगैरह, वो हमें अभी यूज नहीं करना, अभी जब हम बिगिनर लोग हैं तो इसको हमको इसी टाइप से हमको यूज करना है। अब हम इफेक्ट के बाद
मर्जिंग पे आते हैं, मर्जिंग है ये इफेक्ट हो गया, ये मर्जिंग इसमें इस टाइप से वो ही दिखा रहा है, मर्ज का ऑप्शन रहता है, इसका राइस का ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर हम पोजीशन की बात करेंगे, अगर हम पोजीशन इनकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं कि इस बॉक्स के अंदर इसको हमको कहाँ रखना है, ठीक है, इसकी पोजीशन कहाँ रखना है। तो या तो हम ड्रैग करके भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से पोजीशन डायरेक्ट आती है, मान लीजिए टॉप पे रखना तो ये टॉप है, मिडिल रखना तो मिडिल आ गया, बॉटम में रखना बॉटम में चला गया, सेंटर करना सेंटर, राइट करना राइट चला गया, ये उस टाइप से हो जाता है, ठीक है। अब ये पोजीशन हो गई, दूसरा ये ट्रांसपेरेंटी, मतलब ट्रांसपेरेंटी का मतलब ये है कि आप इसको कितने डार्कनेस या विजुअलिटी भी कह सकते हैं इसको, यहाँ से हम ट्रांसपेरेंटी ये 100% है, इसको हम कम कर सकते, ये थोड़ा डल कलर होने लगा ब्लू का और ये बढ़ा सकते हैं, इसको कम ज्यादा हम कर सकते हैं आपको जरूरत के हिसाब से, ये ट्रांसपेरेंटी। कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं, ये अंडरलाइन है, ये बीच में से लाइन खिंच जाती है, एक चीज ये हो गई। दूसरा, अगर आपका टेक्स्ट मान लीजिए कि एक टेक्स्ट ले लेते हैं, मान लीजिए ये टेक्स्ट ले लिया हमने, और यहाँ पर ये टेक्स्ट को हम देखिए, यहाँ पर एक लेटर जो है कैपिटल में है, बाकी स्मॉल में, तो हम डायरेक्ट इसको अलग से टाइप करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर पूरा कैपिटल में कर सकते, ये देखिए पूरा कैपिटल, ये इसका तरीका है कैपिटल करने का, बार बार आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, छोटे से बड़े में उसी को आप छोटे से बड़े को फुल इंटरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इसमें जो है ऑप्शन कि यहाँ पर जो जैसे कि आपने टेक्स्ट लिया था, टेक्स्ट इसको लिया था और हमने इसको हमने कॉपी किया, यहां से कॉपी कर लीजिए और इस पर पेस्ट कर दीजिए, ये उसी स्टाइल में लिखा जाए। अब आप यहाँ पर जो भी टाइप करेंगे वो उसी स्टाइल, मान लीजिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूं टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री, ये मैंने 2023 टाइप कर दिया। अब ये छोटा लग रहा है, इसको थोड़ा बड़ा हम यहाँ से कर सकते हैं, और बड़ा करना है तो यहाँ से करते हैं, ये कर सकते हैं, ये तो उसी स्टाइल में हो गया, ये कॉपी करने में। अब ये चीज टेक्स्ट की फॉन्ट की आपने समझ ली है, यहाँ पर मैक्सिमम चीज समझ चुके हैं आप। अब मैं यहाँ पर कुछ जो टेम्पलेट दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के कुछ टेम्पलेट दीजिए, मान लीजिए ये टेक्स्ट दिया है, तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट ला सकते हैं और ये यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं पहले आपको ये इसको डिलीट कर लेते हैं, हम ये डिलीट और ये फ्लो को हम सेलेक्ट करके यहाँ पर आगे मान लीजिए कि ये इसको डिलीट करके हमको 2023, तो ये इस टाइप से ये लिखा है, ये टेक्स्ट हमको दिया हुआ था, ये लिख सकते हैं और भी टेक्स्ट इस टाइप से, टेम्पलेट को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ये आपको क्या लग रहा होगा। अब इसमें एक चीज और है कि आप टेक्स्ट को सेंट्रल अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, देखिए ये टेक्स्ट है, अब ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये वर्टिकल सेंटर आ गया इसका, यहाँ छोड़ दीजिए, हॉरिजॉन्टल के लिए ये हॉरिजॉन्टल, ये एकदम सेंटर में हो गया, ये इसका आपका टेक्स्ट का अलाइनमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही इसका लेंगे हम, ये देखिए ये वर्टिकल आ गया और ये वर्टिकल आ गया, ये हॉरिजॉन्टल आ गया, ये टेक्स्ट सेंटर हम ले सकते हैं, ये एक तरीका है। दूसरा, आप अपने हिसाब से भी इसको ड्रैग करके अपनी पोजीशन उस पर कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं जहां आप चाहेंगे। तो ये एक टेक्स्ट का तरीका है बहुत अच्छे टेक्स्ट को वो करने का। इसमें अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसके नीचे टेक्स्ट के नीचे हम बैकग्राउंड दे सकते हैं, मान लीजिए इसके नीचे हमने ये बैकग्राउंड दे दिया, ये बैकग्राउंड, तो ये बैकग्राउंड का आपका बहुत अच्छा एक शो हो रहा है। दूसरा बैकग्राउंड भी आप दे सकते हैं यहाँ पर,
अरे ये अच्छा नहीं रहा, तो इस टाइप का बैकग्राउंड, इस टाइप का बैकग्राउंड आप दे सकते हैं किसी भी ट्राइब का, या वाइट वाला दे सकते हैं, जो बैकग्राउंड आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज करके इस इमेज को हम बना सकते हैं। ये बहुत सी इमेज हैं, यहाँ पर हम कुछ इमेज ले ली है, और कुछ टेम्पलेट अगर हम लें इसमें प्रोजेक्ट में, अगर ये कोई रेडीमेड टेम्पलेट लेते हैं। अब मैं यहां पर एक रेडीमेड टेम्पलेट पर टेक्स्ट कैसे चेंज कर सकते हैं वो मैं बताता हूं। ये दूसरा टेक्स्ट का एक पेज ले लिया हमने, मान लीजिए ये एक हैप्पी बर्थडे का हमने टेक्स्ट ले लिया। अब यहां पर हैप्पी बर्थडे की हमें फोटो लगानी है मान लीजिए, तो हम यहां पर फोटो लगा सकते हैं हमारी। यहां पर फोटो लगाने के लिए आप इसको डिलीट कर दीजिए, ये डिलीट कर दीजिए, डिलीट इमेज कर दीजिए, और यहां से आपके अपलोड में कोई फोटो है तो फोटो आप यहां से उठाकर फोटो लगा सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये फोटो है, ये फोटो आपने लगा दी, यहाँ पर फोटो लगा दिया। तो मेरे पास पहले से फोटो थी, उनको तो आप बर्थडे करना चाहते हैं तो ये टेक्स्ट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। हैप्पी मान लीजिए पूरा है यहाँ पर, इस टेक्स्ट को आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से टेक्स्ट ले लीजिए, और यहाँ पर आप मान लीजिए इस टेक्स्ट में लिखना चाहते हैं, इस स्टाइल में लिखना चाहते हैं, तो ये तो प्रो था इसलिए इसको हम हटा देंगे। यहाँ से हम इसको टाइप करके कोई सा भी टेक्स्ट, यहाँ पर पॉपिंस या कोई सा भी, यहाँ पर कैलिट्रिफ होरिजन ले लेते हैं, मान लीजिए तो होरिजन में हो गया, इसको चेंज कर दिया। इसको हमको डिलीट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर दीजिए, इतने सारे टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा अलग अलग हो गया इसलिए इसको थोड़ा सा हम लंबा कर देंगे, सॉरी यहाँ से लंबा करेंगे तो ये हैप्पी आ गया, ये बर्थडे आ गया। यहाँ पर भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, ये टेक्स्ट आपको लिखना है तो इसको लिखा रहने दीजिए, हटाना है तो हम यहाँ से हटा सकते हैं, है ना। ये नाम दे दिया मान लीजिए, यहाँ पर टेक्स्ट का नाम हमने डिलीट कर दो यहाँ से, अपना नाम यहाँ पर डाल दीजिए, यहाँ पर अपना नाम डाल सकते हैं, ये नाम डाल दीजिए, यहाँ पर अपना नाम आप डिलीट करके अपना नाम डाल दीजिए, आप यहाँ पर जिस भी व्यक्ति का आप बर्थडे बेस है जिनको फोटो लेना चाहते हैं आप उनका नाम यहाँ पर आप डाल दीजिए। ये आपका एक तरीका हो गया टेम्पलेट पे टेक्स्ट डालने का। तो इस प्रकार से हम बहुत खूबसूरत और अच्छे टेक्स्ट बना सकते हैं। अब मैं आपको कुछ स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट बताता हूं, आगे चलकर बने रहिए मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया है, आसान तरीके मतलब बिगनर के लिए जो होता है वही मैंने आपको बताया है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे विशेष कीवर्ड जो किसी डिजाइनर, आर्टिस्ट, लवर या फिर कोई पेंटर है जिनके नाम से ही पता चलेगा कि ये किसके लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि स्प्रे, वेप्स, चुमकी, इन 7 कीवर्ड को जो कि हिडन कीवर्ड है ग्राफिक्स के साथ कैनवा में मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे इस चैनल पर और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करिए। चलिए चलते हैं आगे के वीडियो की तैयारी के लिए।